बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। सो गैस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे गैलरी से फोटोज़ वगैरह डिलीट हो चुके हैं तो इसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात लाजमी बताता हूँ, चलो ये एंड्रॉयड ट्रिक है बल्कि आईफोन के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को सिलेक्ट करना होता है, सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने सिंपली रिकवर डिलीटेड फोटोज़ आपने सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर हम गो पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक लोगो आपने देख लेना है कि डिलीटेड फोटो रिकवरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये साइमन फोटो रिकवरी वालों की तरफ से ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, तो इसको आप यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी भी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने डेटे को रिकवर कर सकते हैं, फिलहाल इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो इस पर आपने जस्ट क्लिक करना होता है, इंस्टॉल वाले सेक्शन पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसकी MB बहुत ही कम है, 2 MB की या 3 MB की है। अब इसके बारे में आप मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। अब इसकी रेटिंग भी अच्छी है, इसकी डाउनलोडिंग 10 मिलियन प्लस हैं और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही छोटी सी ऐप है। अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है ये मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। अब हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, अब ये पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाए तो तब मैं आपको बताऊँगा कि इसको किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं और अपने फोटोज़ को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। अब यह इंस्टॉल हो जाए हो गई है तो यहाँ पर हम जस्ट ओपन वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ओपन यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओपन को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर रीस्टोर का ऑप्शन लास्ट पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये कह रहा है हाउ टू वर्क द ऐप विल शो ऑल द इमेजेस डिलीटेड एंड नॉट डिलीटेड, ठीक है। जस्ट कीप लुकिंग एंड यू विल फाइंड फोटोज यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो फोटोज हैं अगर आपके यानी गैलरी में मौजूद हैं वो भी यहाँ पर ले आएगा और उसके बावजूद जो आपके डिलीटेड होंगी फाइल्स होंगी क्रैप्टेड वो भी यहाँ पर ले आएगा और जो डिलीट हो चुकी हैं वो भी ले आएगा। अब यहाँ से आपने खुद तलाश करनी होंगी कौन से फोटोज डिलीट हो चुके हैं, उनको सेलेक्ट करके आपने अपने यानी कि गैलरी में वापस सेव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर रिस्टोर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऐड आ चुका है तो ऐड को हम नहीं देखेंगे भाई। तो फिलहाल मैं अपने डेटे को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर अलाओ यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फिर हम देखने को मिलेगा रिस्टोर, रिस्टोर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब रिस्टोर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास दिखा रहा है कि रिस्टोर डिलीटेड फोटोज़ रिस्टोर, यहाँ पर व्यू रिस्टोर फोटोज़ वगैरह आप जो भी करना चाहते कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिस्टोर डिलीटेड फोटोज़ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर डिलीटेड फाइल्स फाउंड यहाँ पर कर चुका है। अब ये फाइल जो है पूरे तरीके से ये स्कैन करके लाएगा और उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी जो डिलीटेड फोटो हैं वो ला रखा है कि नहीं ला रहा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारी इतनी फाइल्स वगैरह स्कैन करके ले आया है, तो यहाँ पर हम सी करते हैं, देख सकते हैं हमारे पास जितने भी पुराने मेरे पिक्चर्स थे ना यहाँ पर, ठीक है, वो भी लेकर आ चुका है, ठीक है। जिनका मेरे तो की नहीं बनती थी ये लेकर आ जाएगा, तो यहाँ पर ले आया है। तो आप इस तरह से इनको आप रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल यहाँ पर फोटोज़ वगैरह पड़े हुए हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इनको ओपन नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट करके आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर पर आपने क्लिक करना हो, रिस्टोर पर क्लिक करना है या फिर आपको रिकवर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं या बिना डेटे के भी आप इसको यूज़ करेंगे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने इंटरनेट कनेक्शन ऑन करके करना है क्योंकि बाज़ूकात कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कह सकते हैं क्रैप्ट होती हैं और वो ऑनलाइन ही रिकवर हो पाती हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको इस वाले से समझ आ गई होगी। अगर इस वाले से कोई सा भी आपका क्वेश्चन है कॉमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें। मुझे दे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।